दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो प्रवेश परीक्षा भी होने वाली है ये पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में परसों में, उसके बारे में और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बहुत डिटेल में जाकर ये बताऊँगा कि किस तरह से जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है छात्रों को लूटा जा रहा है, वहाँ पर स्टूडेंट को किस प्रकार से लोग लूट रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई खबर है, आपके काम की खबर है। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर लूटा जा रहा है लाखों रुपए यहाँ पर जो स्टूडेंट के जेब से जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं क्या खबर है। तो देखिए यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के अध्ययनशाला UTD में PG के बहुत सारे कोर्स के लिए जो प्रवेश परीक्षा होनी है उसके लिए जो है 16 जुलाई से प्रवेश परीक्षा शुरू होगी। यूनिवर्सिटी से इसकी तैयारी की जा रही है। यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में इस बार सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है साइंस जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो साइंस समेत अन्य के लिए आए हैं, और आर्ट्स के लिए जो है यहाँ पर इंटरेस्ट कम है स्टूडेंट का। 16 से 20 जुलाई तक जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, 13 जुलाई तक अभी भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड पर होगी, 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 50 नंबर के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। और जो रविशंकर से जुड़े करीब 150 कॉलेज में UG PG में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले महीने से चल रही है और करीब 40,000 से अधिक फॉर्म अभी आ चुके हैं, और UG और PG के जो मेरिट लिस्ट है इसी महीने यहां पर जारी हो सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कब जारी होंगे, तो इस महीने में कभी भी जारी हो सकता है। तो जैसे ही जारी होगा मैं इसको अपने चैनल पर इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के रखिए। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो टाइम टेबल आपको अगर अभी तक नहीं मालूम है तो इसका वीडियो मैंने बना दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी का एक अलग ही प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चलिए जो मेन खबर है जो छात्रों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रविशंकर में शुल्क चुकाने छात्रों को 3 गुना खर्च करना पड़ रहा है। अब जो क्या है कि पंडित रविशंकर ने अपना सब कुछ जो है फॉर्म भरने से लेकर फीस पेमेंट तक सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। तो रविशंकर प्रबंधन द्वारा जारी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिसके तहत कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी में, और जो अमाउंट आपको भरना है ऑनलाइन ही भरना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट को सुविधा देने के लिए अलग से काउंटर यूनिवर्सिटी में बनाया नहीं गया है, ठीक है। तो अलग से काउंटर इसके लिए नहीं खोला गया है, इसी वजह से स्टूडेंट को मजबूरन बाहर जाकर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ रहा है, जहां उसे 30 रुपये के चालान चुकाने के लिए 80 से 100 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पेमेंट के लिए जिस बैंक से इन्होंने अनुबंध किया है, टाइप किया है, वो प्राइवेट बैंक है। तो प्राइवेट बैंक जो है अपना ही चार्ज ले रही है, उसमें प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। वहीं जो निजी काउंटर से पेमेंट करने पर इसके लिए भी 50 रुपये जो है काउंटर वाले वहां पर सर्विस चार्ज ले रहे हैं पेमेंट करने के लिए। ऐसे में कुल मिलाकर जो 20 रुपये आपको शुल्क पे करना है उसके लिए 80 से 100 रुपये जो है स्टूडेंट के जेब से जा रहा है, मतलब 3 गुना यहाँ पर जा रहा है। 20 रुपये शुल्क है, 3 से 5 गुना एक्स्ट्रा आप लोग यहाँ स्टूडेंट के जेब से यहाँ पर जा रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा स्टूडेंट की सुविधा के लिए काउंटर नहीं बनाए जाने की वजह से प्रोफेसर सहित अन्य स्टाफ जो स्टूडेंट को परिसर के अंदर ही जो निजी दुकान है वहाँ पर भेज रहे हैं, जैसे कि साइबर कैफे जो भी ऑनलाइन पेमेंट वाले होते हैं उनके पास भेज रहे हैं, और वो भी स्टूडेंट से दबा दबा के 50 रुपये तक का शुल्क ले रहे हैं। अब इसके वजह से छात्रों को यहाँ पर 20 रुपये के लिए कितना हो गया आप लोग देख सकते हैं, 4 से 5 गुना जो है यहाँ पर फीस चुकानी पड़ रही है।
ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं कि स्टूडेंट की कोई का यहाँ पर केस आया है कि पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के ऑनलाइन शुल्क जमा करने गए प्रमोद को परिसर के अंदर ही निजी सेंटर में भेज दिया, जहाँ 50 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करने का ही शुल्क ले लिया, जबकि प्रोफेसर भी वहीं जाने के लिए बोलते हैं। देखिए, प्रोफेसर खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग जो परिसर में बनाए गए हैं प्राइवेट, वहाँ पे जाकर जो है पेमेंट कीजिए। रवि साहू टीसी लेने के लिए आवेदन किया था, इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उनके पास नहीं होने के कारण बाहर जाकर पेमेंट किया, जिसके 30 रुपये के शुल्क के लिए 100 रुपये देने पड़े। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से हेमलाल ने डिग्री के लिए आवेदन किया, जिसके तय शुल्क ऑनलाइन चुकाने के बाद 50 रुपये अतिरिक्त मांगी गई, साथ ही पेमेंट गेटवे शुल्क 20 रुपये भी लिया गया। तो इस प्रकार से है। तो इसके बारे में देखिए और क्या हो रहा है, इससे हर वर्ष 1.5 लाख स्टूडेंट, आपको मालूम है कि परसों में 1.5 लाख के करीब उससे ज़्यादा भी स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, तो हर एक से 20 रुपये अगर जो है यहाँ पर गेटवे पेमेंट गेटवे अगर जो प्राइवेट बैंक है उनके द्वारा चार्ज किया जा रहा है, तो 1.5 लाख स्टूडेंट का 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लाख रुपए जो है उस प्राइवेट बैंक के खाते में जा रहा है, जो कि यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर टाई अप है। ठीक है, तो ये एक चीज तो गलत है, कैफे वाले अपना चार्ज ले रहे हैं, यहाँ पर बैंक अपना चार्ज ले रही है, तो यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैंक है उनके साथ टाई अप कर सकती थी, जिससे इनका जो पेमेंट गेटवे का पैसा इनको नहीं लगता था। ठीक है, इसी मुद्दे पर जब प्रोफेसर KL वर्मा जो कि कुलपति है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के, उनसे जब बात की गई तो उनका क्या यहाँ पर उत्तर था, चले देखते हैं। उनको जब पूछा गया कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए काउंटर क्यों नहीं है, तो छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क है जहाँ से आसानी से जमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन HOD प्रोफेसर सहित स्टाफ निजी साइबर कैफे जाने का सलाह दे रहे हैं। ऐसा जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि हर विभाग में कंप्यूटर है, कहीं से भी शुल्क जमा कर सकते हैं, ऐसी लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित की जाँच की जाएगी। इसका मतलब साफ साफ ये है कि जब कुलपति बोल रहे हैं कि हर विभाग में कंप्यूटर है, कहीं से भी आप लोग शुल्क जमा कर सकते हैं, तो जो ये प्रोफेसर है जहां पर स्टूडेंट जा रहे हैं फीस जमा करने के लिए, तो उनको फिर वो बाहर की जो दुकानें हैं उनके क्यों रिकमेंड किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर में जो दुकानें लगी उनका जो प्रोफेसर जो अधिकारी वहां बैठे उनके साथ कहीं ना कहीं पर उनके साथ साठगांठ या कुछ हो सकता है, तभी उनको रिकमेंड करवा रहे हैं। जबकि कुलपति जी कह रहे हैं कि हर विभाग में कंप्यूटर है, शुल्क वहां से भी जमा हो सकता है, तो फिर स्टूडेंट को रिकमेंड क्यों किया जा रहा है कि आप वहां जाकर पेमेंट कीजिए, ये गलत है। तो ठीक है, स्टूडेंट तो यहाँ पर कह रहे कि लिखित शिकायत मिलने पर संबंधित जांच की जाएगी, तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई आप थोड़ा हिम्मत कीजिए और यहाँ पर रिटर्न में इसके लिए शिकायत कीजिए। निजी सेंटर्स में दोगुना राशि लग रही है, इसके बारे में जब कुलपति से पूछा गया तो उनका कहना है कि इसके लिए छात्र सीधे DSW में संपर्क करें, वहां उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, शुल्क भी उतना ही लगेगा। तो आप लोग DSW में संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर कुलपति जी ने बताया, और बाकी किसी चीज के लिए आप लोग लिखित शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, सहायता के लिए DSW बनाया गया है हेल्प डेस्क, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट वहां पे नहीं हो रहा है, ये लोग खुद ही रिकमेंड कर रहे हैं जाकर वहां जो दुकान है इनकी निजी दुकान वहां पर जाके पेमेंट कीजिए। DSW के बजाय HOD व प्रोफेसर भी साइबर कैफे जाने की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरह से देखिए, एक चीज तो यहाँ पर ताजुब की बात है कि एक निजी बैंक जो है खुद 30 लाख रुपए हर साल कमा ले रही है यहाँ स्टूडेंट से जो पेमेंट गेटवे के नाम पर, और जो है यूनिवर्सिटी एक लापरवाही है, और ये बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही बड़ी लापरवाही है। ऑनलाइन के नाम पर टोटल स्टूडेंट को यहाँ पर लूटा जा रहा है, कहा 30 रुपए के लिए आपको 100 रुपए लग रहे हैं, 3 गुना 20 रुपए के लिए 80 रुपए लग रहे हैं, 4 गुना ये आपके जेब से जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे तरफ से एक सुझाव है कि सभी स्टूडेंट जो है अपना जो है वॉलेट बना ले, ऑनलाइन वॉलेट जो पे गूगल पे फोन पे जो भी है, या फिर ऑनलाइन करवा ले अपने बैंक को, हर बैंक का आजकल जो ऐप आता है ऑनलाइन,
तो वो आप लोग करवा लीजिए, कार्ड से ये हो जाता है, तो उससे आपको एक सुविधा मिलेगी कि इन सब के झंझट से बच जाएंगे, आप खुद ही उस चीज़ का पेमेंट कर सकेंगे। इतना तो होगा कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए और जो बैंक होगा या फिर जो उनके जो QR कोड या वगैरह कुछ ना कुछ तो UPI वहाँ पर होगा, तो उसके लिए आप लोग उससे खुद अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकेंगे। तो इससे अगर बचना है स्टूडेंट को तो ये अपने मोबाइल में पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चालू करें, और जो है अगर वैसा नहीं है तो फिर इससे हो रहा है तो आप लोग लिखित में शिकायत भी कर सकते हैं, कुलपति जी यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, आप लोग इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है खुद ही पेमेंट कीजिए अपने जो भी जितने भी शुल्क हैं ऑनलाइन, और इसके लिए आप लोग अपग्रेड हो जाइए अपने मोबाइल से, ये सब सुविधा जो UPI सिस्टम होता है उसे चालू कर लीजिए, ठीक है। तो यही था, आप कमेंट करके मुझे बताइए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जिनको परेशानी है वो भी कमेंट कर सकते हैं किस प्रकार से उनको ये दिक्कत हुई है, और इसके लिए आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है यूनिवर्सिटी तक ये पहुँच जाए, और जो है ये सब चीज़ें यहाँ पर बंद हो और आपके जेब से ये एक्स्ट्रा जो पैसा जा रहा है वो ना जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।